आज का एपिसोड अजीत द्वारा राजकुमार और मनमीत को अपना आशीर्वाद देने और यह कहने के साथ शुरू होता है कि वह राज की बातों पर विश्वास करता है। राज खुश हो जाता है क्योंकि उसे और मनमीत को अपने नए जीवन के लिए पुनीत और अजीत दोनों का आशीर्वाद मिलता है। मनमीत राजकुमार से पूछती है कि क्या उसने अपने परिवार को प्रपोजल के बारे में बताया है, जिस पर राजकुमार कहता है कि उसने किसी को नहीं बताया क्योंकि वह घबराया हुआ था। मनमीत को अलविदा कहकर राजकुमार घर लौट आता है ताकि वह अपने परिवार वालों को अपने फैसले के बारे में बता सके। लिविंग रूम में सभी को इकट्ठा करने के बाद राजकुमार भैरव से कहता है कि उसने मनमीत को पहले शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसका उसने हाँ में जवाब दिया। राजकुमार का कहना है कि वह मनमीत से प्यार करता है और जल्द से जल्द शादी करना चाहता है। इसके अलावा राज अपने परिवार को यह भी बताता है कि शादी के बाद अनमोल उसका और मनमीत का इकलौता बच्चा होगा। राज की बात सुनकर भैरव को दिल का दौरा पड़ने से फर्श पर गिर जाता है। क्या भैरव विवाह के लिए अपनी स्वीकृति देंगी? मनमीत और अनमोल को स्वीकार करने के लिए राज अपने परिवार को कैसे मनाएगा?